पता नहीं चला था कि पाथ और ट्रैक नहीं पता था कि भाई करना क्या 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 फॉलो करना है। 400 to 600 क्वेश्चन कर लिया था कि भाई मुझे तो करना ही है। आपने मेरे को अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर करके थोड़ी देर पहले दिखाया था कि आपने अराउंड 150 कंपनीज में अप्लाई किया था, एक बार हमें भी दिखाओ। मेरा मोटिवेशन तो बस यही था कि भाई मुझे तो देना है, मुझे कहीं अच्छी जगह पहुंचना है और प्रोडक्ट बेस में पहुंचना है। तो वो मैंने एक पैटर्न सुना था कि फिबोनाकी पैटर्न में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो साथ में पीयर प्रोग्रामिंग वाली चीजें होती है ना, काफी हेल्प करती है। कि भाई नहीं मुझे तो करना ही, मुझे तो पैसे देने नहीं लेकिन मुझे ये करना है। हाय गाइस, मैं निशांत सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। आज की वीडियो में हमारे साथ है राघव, ठीक है। वो अभी करंटली SG2 में माइक्रोसॉफ्ट में। सो ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम TCS एज असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर, एंड अब करंटली वो माइक्रोसॉफ्ट में काम वगैरह कर रहे हैं। एंड इनके पास बहुत सारे ऑफर थे, इन्होंने दिखाया, इन्होंने अराउंड 150 कंपनीज में अप्लाई किया था, एंड इनके पास काफी अराउंड 40-50 के आसपास ऑफर्स भी थे। वो सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हाय निशांत, हाय एवरीवन। सो माई सेल्फ राघवेंद्र, आई एम करंटली वर्किंग एज ए C2 इन माइक्रोसॉफ्ट। एंड बेसिकली बिफोर जॉइनिंग माइक्रोसॉफ्ट आई वाज वर्किंग विद स्नैपडील, एंड प्रायर टू दैट आई हैव अराउंड ऑलमोस्ट 2 to 2.5 years ऑफ एक्सपीरियंस विद अ सर्विस बेस्ड कंपनी एज वेल। ओके, ठीक है राघव, आपने कॉलेज में कोडिंग वगैरह कब स्टार्ट करी थी, थोड़ा कॉलेज के बारे में बताओगे हमें? हाँ, तो बेसिकली कॉलेज में यार स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में तो आइडिया कुछ था ही नहीं। अपन को भी भाई एकदम वो कोटा वाले हैं हम भी, तो कुछ कंप्यूटर वम्प्यूटर कुछ पता नहीं होता, तो घर वाले जो बोलते हैं उस हिसाब से करते हैं। तो फिर पता चला भाई कंप्यूटर साइंस में ज्वाइन कर लो। अब ज्वाइन तो कर लिया लेकिन कुछ आइडिया ही नहीं कि ये CS बैकग्राउंड में होता क्या है, कंप्यूटर क्या क्या लैंग्वेज क्या है, जावा क्या है, C++ क्या है। तो बेसिकली अराउंड फर्स्ट ईयर के एंड आते आते मैंने जावा की कोचिंग ली थी कि कुछ मतलब कुछ तो पता चले कि एक्चुअली है क्या ये लैंग्वेजेस। फिर जावा किया था, फिर सेकेंड ईयर तक वो कोचिंग चली, फिर उसके बाद भी कुछ पता नहीं चला था कि पाथ और ट्रैक नहीं पता था कि भाई करना क्या 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 फॉलो करना है। फिर उसके बाद मैं वेब डेवलपमेंट में घुस गया था कि भाई चलो वेब डेवलपमेंट करते हैं। फिर वहाँ पे भी कुछ दिख नहीं रहा था फ्यूचर। फिर थर्ड ईयर में मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज का, इज नेम इज कुशागर, और वो क्रेडिट में काम कर रहा है अभी। तो ही मोटिवेटेड मी कि चल भाई तू कोडिंग कर ले, और वो करता था तो मैं उसे देख के ही मतलब स्टार्ट किया था कोड करना। तो बेसिकली मैं स्टार्ट किया था थर्ड ईयर के एंड में, अराउंड अभी यही सब टाइम था, मार्च का टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मार्च थर्ड ईयर के एंड में स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर अराउंड विद इन एन ईयर मतलब कि एक साल के अंदर अंदर मैं अराउंड 400 to 600 क्वेश्चन कर लिया था कि भाई मुझे तो करना ही है। और मैं कंटिन्यूस स्ट्रीक था अभी कि एक महीने कंटिन्यूस कर रहा हूँ मैं ऐसे। और एक दिन में मैंने ऐसा भी हुआ था कि जब इतना जोश आ गया था तो मैंने एक दिन में 22 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए थे कि अब तो मुझे कोड शेफ का वो इजी वाला पूरा सॉल्व करना ही करना है। तो पूरा का पूरा वो भी कर लिया था। तो थर्ड ईयर के एंड से स्टार्ट किया था कोडिंग एंड, बट वही है कि कॉलेज के एंड में क्या होता है कि भाई तुम्हारे परसेंटेज और ये सब मैटर करते हैं कि अगर तुम्हें कंपनी में बैठना है। तो मेरे तो परसेंटेज कुछ खास थे ही नहीं, मतलब अराउंड 71% के आसपास मेरा नंबर था। और अपन को मैंने वो टेस्ट दिया था कोड वीटा करके होता है TCS के लिए, तो मैं कहा कि कुछ होना है कि नहीं है कुछ पता नहीं, तो TCS का चलो कोड टेस्ट दे देते हैं। तो टेस्ट देने का पता चला कि TCS में तो हो गया। और फिर उसके बाद कंपनी मेरे कॉलेज में मतलब उतनी कंपनीज का कुछ ऐसा वो नहीं कि कंपनीज आती हैं, बहुत कमी कंपनीज आती है, मोस्टली सर्विस पे आती थी उस टाइम हमारे टाइम पे। फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, तुम्हारे लिए काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब तुमने काफी सारे कॉम्पिटेटिव कोडिंग के कॉन्टेस्ट वगैरह देखे होंगे। अब न्यूटन स्कूल एक अपना कोडिंग कॉन्टेस्ट करवा रहा है, इसका नाम है ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार जो लिंक है तुम्हारा रजिस्टर करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन में है। कोई प्री रिक्विजिट्स वगैरह नहीं है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कोई भी है, सब जाके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड बहुत सारे अमेजिंग तुम्हारे लिए प्राइजेस वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा यार न्यूटन स्कूल तुम्हारे लिए काफी सारे प्राइजेस वगैरह भी ला रहा है। फर्स्ट प्राइज को 1,00,000 रुपए मिलने वाले, सेकंड को 50,000, थर्ड को 25,000, फोर्थ को 15,000, एंड फिफ्थ प्राइज को 10,000 रुपीज। बेस्ट फीमेल कोडर को भी 10,000 रुपीज मिलने वाले हैं। बेस्ट इंडियन कोडर को भी 10,000 रुपए का प्राइज मिलने वाला है। ग्लोबल कॉन्टेस्ट है ये। बस यार इतने ही प्राइजेस नहीं है, इसके अलावा और अराउंड 3,000 लोगों को प्राइजेस वगैरह मिलने वाले हैं, उन सबका तुम जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट बात बस यही है कि अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, जाके डेफिनेटली अप्लाई कर दो तुम। एंड एक और अमेजिंग बात ये है कि यार ये बस एक कोडिंग कॉन्टेस्ट नहीं है, इसमें हायरिंग चैलेंज भी इंक्लूडेड ही है, एंड काफी सारे जो पार्टनर कंपनीज हैं न्यूटन स्कूल की वो भी इस कॉन्टेस्ट के विनर्स को या फिर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे उनको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज वगैरह प्रोवाइड कर रही होंगी। तो जल्दी से जाओ नीचे वाले लिंक से एंड जल्दी से रजिस्टर कर दो। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो उसके बाद मैं TCS में हुआ, बट कुछ जैसे सैमसंग भी आई थी, क्रोनोस करके बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती थी, बट हुआ क्या था कि मुझे बैठने को नहीं मिलता था, तो क्योंकि मेरे 75% से नीचे थे। तो मेरा
एंड होते होते भी मैं टीसीएस में था, तो और फिर उसके बाद टीसीएस और एट द एंड मुझे टीसीएस जाना ही पड़ा था। अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड कहीं 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 और भी जा चुके थे, बट मुझे अकेले ही चेन्नई में गया था, एक और फ्रेंड था मेरा उसके साथ। तो टीसीएस में था मैं अराउंड 9 मंथ्स, और टीसीएस में मैंने सेल्स फोर्स पे काम कर रहा था, तो बट मुझे मतलब उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा था मैं सेल्स फोर्स के साथ, और क्योंकि मेरा पूरा पूरा लास्ट ईयर सेक्शन जावा में था जो कॉलेज में किया था मैंने, तो फिर मैं सोचा कि अब यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है। और टीसीएस में मतलब जो काम भी मिल रहा था वो इतना ज़्यादा डिवाइड हो जाता था कि एक हफ्ते का काम ऐसा था कि एक दिन में ही तुम कर लो तो भी, तो वहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिलता था। फिर मैंने थोड़ा स्विच किया कि भाई चलो कुछ तो अब नया करना कहीं जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक और कंपनी ज्वाइन करी, प्रोडक्ट बेस्ड मैनहट्टन एसोसिएट्स करके है, यूएस बेस्ड कंपनी। तो वहाँ पे अराउंड मैंने 2 ईयर्स स्टे किया, वहाँ पे थोड़ा बहुत लर्निंग हुआ, थोड़ा डेवलपमेंट का लर्निंग हुआ। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी फिर स्नैपडील एंड माइक्रोसॉफ्ट, तो ये काइंड ऑफ जर्नी है। ओके सो राघव, आपने मेरे को अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर करके थोड़ी देर पहले दिखाया था कि आपने अराउंड 150 कंपनीज में अप्लाई किया था। एक बार हमें भी दिखाओ कि कौन सी कंपनी में अप्लाई किया था, फिर आगे बताता हूँ मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए। तो स्क्रीन में ये देखो, इन्होंने पूरी एक्सेल शीट बना रखी है, कौन सी कंपनी में सेलेक्ट हुए, कौन सी कंपनी में रिजेक्ट हुए, कौन सी कंपनी से ऑफर आया, पूरी खतरनाक एक्सेल शीट बना रखी है। मैं तो देख के ऐसा होगा कि भाई काफ़ी सही। सो इसमें तुम देखो बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस थे, काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन थे। तो सर राघव, आप मेरे को ये बताओगे कि लाइक आप इन रिजेक्शंस को फेस वगैरह कैसे करते थे? मतलब आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो और नहीं हो रहा। मेरा मोटिवेशन तो बस यही था कि भाई मुझे तो देना है, मुझे कहीं अच्छी जगह पहुँचना है और प्रोडक्ट बेस में पहुँचना है। तो मैं एक टाइम पे इसके बाद इतना हो गया था मेरे अंदर बिल्डअप कि चाहे रिजेक्ट हूँ चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मोटिवेशन से ही मैं सीखता था। मैंने ऐसे कुछ इंटरव्यू के लिए बहुत ही अलग से कुछ पढ़ाई नहीं करी, जो इंटरव्यू मेरे को आता था वो मैं करता था, जो नहीं आता था तो मैं उसे लिख लेता था। तो मेरे पास 2-3 शीट और ऐसी और भी हैं जहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं, सिस्टम यानी क्वेश्चन और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, मैं क्या बता पाया था क्या नहीं बता पाया था, मेरे से क्या गलती थी, तो वो सारे क्वेश्चन नोट डाउन किया फिर मैं उसके ऊपर ही काम करता था। तो मेरे लिए मोटिवेशन तो यही था कि मुझे कहीं अच्छी जगह पहुँचना है, तो बस वही था कि बस उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते जाओ, इंटरव्यू दो प्रिपरेशन करो। तो इंटरव्यू भी लक है एक तरीके से, कि लक तुम्हारा लक भी तभी चले जाएगा अराउंड तब तुम काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन कर लोगे। तुम्हारा लक वैसा हो गया कि भाई तुमने कुछ प्रिपरेशन करी है, उसी को वही सेम क्वेश्चन तुम्हारा ये इंटरव्यू में आ गया। तो मुझे एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरे कई सारे ऐसे इंटरव्यू होते थे जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते थे। इवन कुछ एक दो और इंटरव्यू थे जहाँ पे कि पूरे के पूरे 3 राउंड ये पूरे के पूरे रिपीटेटिव थे, कि मैं वो सारे क्वेश्चन पहले किसी और इंटरव्यू में कर चुका था, और मैं अराउंड पूरे दिन भर में अराउंड 2-3 क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन बोला, 2-3 इंटरव्यूज दे देता था। मतलब कि 3-3 कंपनी के इंटरव्यू दे दिए दिन भर में बैठे बैठे, 5-5 कंपनी के इंटरव्यू दे दिए। तो मेरे लिए कि उस टाइम पे ये हो गया था कि बस मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे कहीं अच्छी जगह पहुंचना है, ये तो बस वही मोटिवेशन था कि अच्छी जगह पहुंचना है बस। काफी सही, मतलब वो इंटरव्यू से सीखने वाली चीज मेरे को काफी सही लगी आपकी, कि गलतियां जो हम मतलब गलतियां करके सीखते हैं, वो पूरा परफेक्ट एग्जांपल है कि जो गलतियां करी वो बाद में सुधार ली एंड नेक्स्ट इंटरव्यू में सेम मिस्टेक करी ही नहीं, तो काफी सही। तो मैं अभी वही मोटिवेशन था कि भाई मैं अभी इंटरव्यू दे तो रहा हूँ, बट इंटरव्यू देने के बाद मेरा एक ही पर्पस होता था कि अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ या फिर डिसलेक्ट हो रहा हूँ तो मैं डिमोटिवेट अपने आप को नहीं करता था, बस मैं जाता था, मैं अपनी शीट में ऐड करता था और नेक्स्ट इंटरव्यू से पहले मैं उसको प्रिपेयर कर लेता था वो सारे क्वेश्चन। तो इंटरव्यू जस्ट मतलब कि बस लक गेम है कि करते रहो बाकी तो हो ही जाना है कहीं ना कहीं बढ़िया। तो आप रीच आउट कैसे करते थे, मतलब लोगों को मेल करते रहते थे, करियर पोर्टल पे अप्लाई कर देते थे या क्या करते थे, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज में अप्लाई करना भी मतलब काफी एक मुश्किल टास्क तो है ही। हाँ, तो इसलिए यही रीजन था कि मैंने इस शीट को बनाया था कि मुझे इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती थी कि कौन सी एचआर का कॉल आ रहा है, किसके कौन से राउंड हुए हैं, किसने कितना ऑफर किया, ये सारी चीजें मुझे मैनेज करने के लिए या तो मैं किसी कुछ और करूँ या फिर मैं इंटरव्यूज पोस्टपोन कराऊँ। तो मैं क्या करता था, मैं जो भी चार के कॉल्स आते थे या फिर जो भी राउंड चल रहे वो सारे मेंशन करते जाता था इसके अंदर। और बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि अप्लाई का, तो मैंने स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे मैंने नौकरी पे अप्लाई किया था, इंस्टा हायर पे एक अच्छा मतलब इंस्टा हायर पे मुझे लगता है कि काफ़ी सही कंपनीज हैं, मतलब कि नौकरी में तो बहुत सारी कंपनीज है, इंस्टा है इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू अभी मतलब इस टाइम के लिए आप चूज करो नौकरी पोर्टल के लिए, मतलब नौकरी अप्लाई करने के लिए। तो मैं naukri.com पे मैंने कुछ टाइम पे अप्लाई किया था, मतलब अराउंड स्टार्टिंग में मैं पिछले एक दो महीने तो मैं हर हफ्ते अराउंड 50-60 कंपनी का अप्लाई कर देता था, कि 50-50 करके कम एक हफ्ते बैठा, फर्स्ट मतलब वीक में बैठा एक दिन, उसमें 50 कंपनी अप्लाई कर दी, फिर दूसरे वीक में 50 कंपनी अप्लाई कर दी। तो अराउंड एक महीने बाद
ऐसा हो गया था कि मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मेरी प्रोफाइल की रीच इतनी ज्यादा हो गई थी कि अराउंड naukri.com पे मैं देखा था 40,000 रिक्रूटर, मतलब एक उसमें naukri.com पे आता है कि कितने रिक्रूटर तुम्हारी प्रोफाइल व्यू की थी, एक टाइम पे 40,000 ऑफ रिक्रूटर मेरी प्रोफाइल, मतलब ये वो हो गया था कि इतने नंबर ऑफ रिक्रूटर जो कि तुम्हारी प्रोफाइल को व्यू कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद तुम्हारी प्रोफाइल की विजिबिलिटी इतनी ज्यादा हाई जाती है कि तुम्हें कुछ अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें रिक्रूटर कॉल करते हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ महीने स्ट्रगल होते हैं कि तुम्हें अप्लाई करना है, फिर उसके बाद तुम्हें यार एक बार प्रोफाइल की रीच बढ़ गई तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही है। तो एक चीज और बताओगे, आपने पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही, मतलब जब आपने लाइक टीसीएस से आपने डिसाइड किया, मैनहट्टन से डिसाइड किया कि मेरे को कहीं और जाना है अच्छी जगह, तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी, मतलब टाइम वाइम कैसे निकालते थे, पढ़ते क्या थे? यार देखो मैं तो मतलब मैनहट्टन के टाइम पे मैं तो ऑलमोस्ट दिन में काम करता था, जब काम नहीं होता था तो मैं बेसिकली अपना लीड कोड करता था, लीड कोड भी करता था, और मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब वेबसाइट्स पे जा जाके ढूंढे थे कि भाई कौन से कैसे प्रॉब्लम्स करने चाहिए, तो उसकी भी एक शीट है अगर दिखा दूंगा मैं वैसे बाद में, कि मैंने कि ये एक पहले मेरा ये मोटिव पहले ये था कि मुझे अमेजन ही जाना है, तो मैं उसके हिसाब से प्रिपरेशन करता था, बट बाद में लगा कि अभी और सारे जगह मतलब और ऐसे सिर्फ एक कंपनी की बेस पर तैयारी नहीं करनी चाहिए, तो मैंने और सब भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जैसे ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये सही बात है। तो वही है कि मुझे एक प्रॉब्लम को तब तक करता था जब तक मुझे ऐसा लगता कि मैं उसमें पूरा फुल ऑन कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे वो अब इन फ्यूचर कभी भी आएगा तो मैं कर लूंगा ऐसा, तो वो मैंने एक पैटर्न सुना था कि फिबोनाची पैटर्न में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तो वो मैं ट्राई करता था कि जितना भी हो पाता था कि एक क्वेश्चन को इतनी बार कर लो कि मतलब, क्योंकि इंटरव्यू में वही है कि अगर मैं अगर जैसे कुछ बड़ी कंपनीज का नाम लूँ तो वही मोस्टली मुझे हिसाब से तो ये देखते हैं कि तुमने कितनी जल्दी और कितने फास्ट थी तुमने कर दिया, जैसे इवन माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ तो मैं सारे राउंड के सारे इंटरव्यूज ऐसे हुए थे कि मैंने सिंगल सिंगल हिट में सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए थे उनके क्वालिटी के उस पर, तो वही है कि प्रैक्टिस करते रहो, और बाकी अगर तुमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हें मुझे लगता नहीं कि मतलब कि और कुछ ज़रूरत पड़ेगी, लीड कोड इज़ मोर देन इनफ, लीड कोड पे ही मैंने किया है मतलब प्रिपरेशन। अब बाकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं एक और बता दूं कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉम्पीट करता था, मतलब कि ये मेरे कुछ 3-4 फ्रेंड है जिसके साथ मैं ऐसा होता था कि कॉम्पिटिटिव, अगर तुम मतलब कुछ 4 फ्रेंड मिलके एक साथ कर रहे हो तो बेसिकली तुम मोर कॉम्पिटिटिव फील करोगे कि तुम वो बंदा कर रहा था तो मैं क्यों नहीं कर रहा, तो हम लोग रोज ऐसा प्लान करते थे कि रोज 3 क्वेश्चन तो करने ही, चाहे कोई भी कितना भी बिजी हो, तो अराउंड ये हमने भी अराउंड 2.5-3 महीने तक फॉलो किया था कि हम लोग पर डे क्वेश्चन को करते थे और उसके बाद रिपीट क्वेश्चन करते थे और फिर उसको 1 वीक ऐसा रखते थे, मतलब 1 महीने तक क्वेश्चन कर लिया, फिर 1 हफ्ते की तरह प्रिपरेशन करते थे पुराने क्वेश्चन को रिपीट करो, तो ये सारी बहुत सारे तरीके मैंने मतलब खुद से ही डेवलप किए कि भैया कैसे कैसे और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग है, मतलब ये जो साथ में पीयर प्रोग्रामिंग वाली चीज़ होती है ना काफ़ी हेल्प करती है, मतलब तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो अपने दोस्त से पूछ सकते हो और उसको कुछ नहीं आ रही तुम समझा सकते हो, और समझाने से फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं, तो ये काफी सही टेक्निक है। मुझे भी बहुत सही लगा था, और एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि इवन हम लोग ऐसे कम्पीट करते थे कि जो उस दिन कम्पीट नहीं करेगा उसको कुछ मनी पे करना पड़ेगा, कि जैसे मैं किसी और को दे रहा हूँ अगर मैंने कहा तो वो एक और चैलेंजिंग मतलब अपने आप को अंदर ही बनाता कि भाई नहीं मुझे तो करना है, मुझे तो पैसे देने नहीं लेकिन मुझे ये करना है, तो सही 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 एक और एक्सटर्नल फैक्टर भी लगा दिया कि भाई अगर तू नहीं करेगा तो पैसे भी देने पड़ेंगे, तो अपन ऐसे 10-20 रुपए रख लेते थे कि भाई अगर तू नहीं करेगा तो तुझे इतने देने पड़ेंगे। काफी सही। सो यार अब मेरे को ये बताओ कि लाइक कुछ सजेशंस वगैरह है, जैसे अभी काफी लोग होंगे Tier-3 कॉलेज में, इनके कॉलेज में कंपनी नहीं आती, या फिर वो किसी एक सर्विस बेस्ड कंपनी में अटक गए हैं, उनको निकलना है वहां से, किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है या फिर अच्छा पैकेज देना है, तो क्या चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए? बट आई फील कि अगर तुम कंसिस्टेंट हो अगर किसी भी प्रोग्रामिंग में या फिर सिस्टम डिजाइन में, तो तुम्हें और कुछ जरूरत ही नहीं है, मतलब कोई भी पेड या कुछ भी लर्निंग जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर तुम 1-2 महीना कंसिस्टेंट हो, 2-3 महीने तुमने लीड कोड कर लिए और उसके बाद तुमने 10 क्वेश्चन कुछ सिस्टम डिजाइन के देख लिए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब कंपनी के इंटरव्यू क्रैक करना इतना डिफिकल्ट होगा, तो लीड कोड और सिस्टम डिजाइन, और सिस्टम डिजाइन के इतने सारे रिसोर्सेज, इतने सारे फ्री रिसोर्स, मैंने भी इवन कोई भी पेड कोर्सेज मैंने नहीं लिया था, इतने सारे अवेलेबल ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं कि कोई भी मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ लीड कोड और सिस्टम डिजाइन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू गो विथ, और मैंने भी यही किया था, मतलब इवन मैंने माइक्रोसॉफ्ट देने से पहले अराउंड 250 या फिर 300 क्वेश्चन किए थे लीड कोड पे ही बैठ के,
कि उसके पहले तो इतने करने ही काफी सारे। सो राघव, मतलब आपने मेरे को पहले बता दिया कि आपने इंटरनेशनल भी काफी कंपनीज में अप्लाई किया था, तो उनको कुछ अप्लाई करने का तरीका अलग होता है मतलब, और कोई ऑफर ऑफर मिला आपको? हाँ यार, मैंने मतलब मैं कुछ कंट्रीज को फोकस करता था, जैसे दुबई, जर्मनी, यूके एंड सिंगापुर। तो मेरे को मतलब वैसे जर्मनी के लिए तो उनकी खुद की एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और दुबई के लिए भी ऐसी है, दुबई के लिए आप naukri.com भी यूज़ कर सकते हैं। naukri.com का एक और वर्जन है, उसके थ्रू तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे दुबई से एक ऑफर था, तो बट वही है माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आने के बाद तो फिर सब सही है। तो मतलब गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, बाकी naukri.com से भी अप्लाई कर सकते हो अगर फॉरेन साइट्स में करना है। दुबई के लिए तो गोल्फ वर्ल्ड करके ऐसी कुछ वेबसाइट, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बता दूंगा, लेकिन गोल्फ करके एक वेबसाइट है जो कि वहाँ के जॉब्स पोर्टल मतलब जॉब्स दिखाती है दुबई में, और वैसी ही सेम जर्मनी का प्रोसेस है, और जर्मनी में तो अभी बहुत ज्यादा हायरिंग हो रही है तो इजिली मूव कर सकते हैं लोग। सही है। और लास्ट वाला जो इंटरव्यू था नमन सर के साथ, उन्होंने बताया था कि स्टैक ओवर फ्लो से भी तुम अप्लाई कर सकते हो अगर तुम्हें इंटरनेशनल जर्मनी वगैरह या फिर यूरोपियन यूनियन किसमें किसी भी लाइक कंट्री में तुम अप्लाई करना है तो स्टैक ओवर फ्लो इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वहां से जाके अप्लाई वगैरह कर सकते हो। स्टैक ओवर फ्लो भी है, आप ग्लासडोर से भी कर सकते हो। स्टैक ओवर फ्लो में वन ऑप्शन इज कि तुम उसमें ऐसी भी कंपनी फाइंड आउट कर सकते हो जो वीजा स्पॉन्सर करती है, तो हमेशा वही कंपनीज में अप्लाई करो जो वीजा स्पॉन्सर करती है, तो वो काफी सही है। और एक और वेबसाइट है लिंक्डइन जैसा, जिंग करके, जो जो जर्मनी में चलता है मोस्टली, तो जिंग पे आओ, उस पर वहाँ पे लोगों से कनेक्ट करो, तो वहां से डायरेक्टली जैसे लिंक्डइन जैसा ही है वो जर्मनी में चलता है जिंग। सो यार थैंक यू सो मच राघव फॉर टेकिंग आउट टाइम, काफी मजा है आपके साथ बात करके। इतनी सारी मतलब अप्लाई कैसे करना होता है, पढ़ाई कैसे करनी होती है, इंटरनेशनल कहाँ से अप्लाई करना है, और स्ट्रेटजी, मोटिवेशन, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर ली, काफी मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक्स निशांत, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इतना आज वाली वीडियो में। अगर तुम्हें राघव के साथ कनेक्ट वगैरह करना है, लिंक्डइन का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, जाके तुम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कुछ पूछना है तो वो विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो इतना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।